दोस्तों, अगर बात करें फिल्म सूर्यवंशी की, तो फिल्म से ज़्यादा चर्चाओं में इस फिल्म के गाने हैं, क्योंकि गानों के अंदर टिप टिप बरसा पानी भी होने वाला है और बहुत सारे ऐसे गाने होने वाले हैं जिसको लेकर हम धमाकेदार अपडेट आपको देने वाले हैं। दरअसल सबसे पहले तो आपको बता दें कि टिप टिप बरसा पानी गाना इस फिल्म के अंदर होने ही वाला है, लेकिन इसके अलावा एक फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी होगा जिसका नाम है आया पुलिस। अब दोस्तों, ऐसे में दो गाने तो कंफर्म हो चुके हैं कि इन दोनों फिल्मों में, मतलब इस फिल्म में रहेंगे ही रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे गाने की, तो तीसरा गाना जो है वो रोमांटिक गाना होने वाला है जो कि आप लोगों को सुनने को मिलेगा। जी हाँ, कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार के बीच में एक रोमांटिक और बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्माया जाएगा, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अब दोस्तों, ये गाना कब रिलीज़ किया जाएगा अभी तक इस बात की जानकारी तो कुछ भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी तक फिल्म की रिलीज डेट भी कुछ भी अभी अनाउंस नहीं हुई है। पहले अगर बात करें तो मार्च में ये फिल्म रिलीज़ की जाने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना ने सब बर्बाद कर दिया। अब ऐसे में रोमांटिक गाना भी जल्दी आप लोगों को देखने को और सुनने को मिलेगा। अब जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी गाने को लेकर, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन अगर बात करें फिल्म की, तो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी, और सूर्यवंशी जो फिल्म है वो रोहित शेट्टी की पुलिस फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म है, जैसे कि पहले थी सिंघम, सिंघम के बाद सिम्भा आई और अब आ रही है सूर्यवंशी। अक्षय कुमार जो है इस फिल्म के अंदर वीर सूर्यवंशी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, और इस फिल्म के अंदर आपको अजय देवगन और जो रणवीर सिंह हैं वो भी नज़र आएंगे, और लास्ट में बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा आप लोगों को जब तीनों लोग कंबाइन हो जाएंगे। तो चलिए, ये सब तो हो गई फिल्म की बातें, लेकिन आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म के गाने के लिए, जो कि एक रोमांटिक गाना होगा कैटरीना और अक्षय कुमार के बीच में, उसके लिए कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दोस्तों टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि बॉलीवुड की हर खबर जो है आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।